बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा नई जो पॉलिसी आई है 2023 के अंदर, बटन्स और ये जो अवार्ड दिए जाते हैं यूट्यूब की जानिब से, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना बदली गई हैं, चेंज की गई हैं। तो ये मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि जैसा कि पहले के 100K के ऊपर सिल्वर प्ले बटन मिलता था और 1 मिलियन के ऊपर गोल्डन प्ले बटन मिलता था, और उसके बाद जो 10 मिलियन के ऊपर जो था ना उनका डायमंड प्ले बटन मिलता था, अब उन्होंने 100 मिलियन के ऊपर एक रेड डायमंड बटन भी ऐड कर दिया। पहले ये नहीं था। अब लोगों के इतने ज़्यादा चैनल ग्रो कर रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आ चुकी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने अब 100 मिलियन के ऊपर भी रेड जो है ना डायमंड बटन देना शुरू कर दिया। लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। सबसे जो पहला रूल है कि आपका जो चैनल है उसके ऊपर 6 मंथ के अंदर एक्टिव होना चाहिए। 6 मंथ के अंदर कम से कम आपकी एक वीडियो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वर्क करते रहते हैं, जब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं वो काम छोड़ देते हैं। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि 6 मंथ के अंदर कम से कम आपकी एक वीडियो उसके ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। सबसे जो पहला ये है, ये नहीं है कि साल पुराना चैनल था उसके ऊपर सब्सक्राइबर 100K हो गए और आपको बटन मिल जाएगा, अब नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जो रूल ऐड किया गया है कि अगर आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आई है, कम्युनिटी गाइडलाइन या कोई भी उसके ऊपर वॉयलेशन आई है, तो वो 3 महीने के बाद जो है ना एक्सपायर हो जाती है, आपके चैनल पे ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपके ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन आई हुई है तो आपको जो है ना कोई भी अवार्ड यूट्यूब की जानिब से नहीं दिया जाएगा। 3 मंथ के बाद वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन वो 1 साल के पीरियड के अंदर आ जाएगी। जैसे वो 1 साल का पीरियड भी गुजरेगा तो आपको जो है ना यूट्यूब की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। तो इसलिए अगर वो 1 साल का ड्यूरेशन के अंदर आपको आती है तो वो आपका जो है ना इसके अंदर वो इसका आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पे आता है जी, अगर आपका चैनल कोई टर्मिनेट हुआ है ऑलरेडी, यानी कि आपके प्रॉक्सी है जो भी मसला मसाइल टर्मिनेट हो चुका है, 3 वॉयलेशन लग गई हैं, तो उस बंदे को भी वो अवार्ड नहीं देंगे। ये बड़ा सख्त किस्म का रूल है, तो इसका भी ज़रा ख्याल रखें। चौथे नंबर पे आता है कि जो मुख्तलिफ लोग स्पैम कंटेंट की मदद से या फेक जो चीज़ें ऐसी पोस्ट डाल के फैन फॉलोइंग बढ़ा लेते हैं, व्यूज़ और सब्सक्राइबर मुख्तलिफ जो वीडियोस होती हैं ना वायरल वीडियोस को एडिट करके जो लोग सब्सक्राइबर और व्यूज़ ले लेते हैं, लेकिन उनके जो अब वो चेक करेंगे चैनल का 10 डेज़ का पीरियड होगा तो ही आप इस अवार्ड को रिडीम कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आपका जो स्पैमिंग कंटेंट होगा तो उसके ऊपर भी जो है ना आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ये भी रूल है। और आखिरी जो रूल है, आपका जो एडसेंस का अगर अकाउंट यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया, जो YPP प्रोग्राम है अर्निंग का यूट्यूब का, अगर आपका वो डिसेबल हुआ है आपके उस दौरान, तो आपको फिर भी जो है ना डायमंड या कोई भी अवार्ड यूट्यूब की तरफ से नहीं दिया जाएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आपको आपके YouTube स्टूडियो के अंदर और आपका जो ईमेल है उसके अंदर एक ईमेल आता है, 10 डे का ड्यूरेशन होगा, वो आपका चैनल रिव्यू पे चला जाएगा। जब आप 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो आपका चैनल रिव्यू पे चला जाएगा। 10 डेज़ के बाद आपको एक कोड ईमेल आ जाएगा, अगर आप एलिजिबल हैं उस कोड को आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो कोड आपने रिडीम करना होता है। उसके बाद कोशिश कीजिएगा एड्रेस के अंदर आपने अपना जो है ना चैनल नेम नहीं डालना, वो आप अपना चैनल का जो भी नाम उसके ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपने देना है। लेकिन जब आपने अपना शिपिंग एड्रेस या कोई भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने बिल्कुल ऑथेंटिकेट देनी है, क्योंकि वो जब आपका पार्सल भी आएगा तब भी वो वेरीफाई करते हैं, और यूट्यूब वाले भी आपकी जो वेरीफिकेशन उस टाइम करते हैं तो ही आपका वो चैनल 100K के बाद वेरीफाई हो जाता है। वो आपसे टैक्स की कॉपी और ये वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, KYC होती है, तो आपका चैनल भी जो वेरीफाइड हो जाता है और साथ साथ आपको बटन भी मिल जाता है। खुदा ना खास्ता अगर बटन आपका वापस चला जाता है तो इसमें फिर बड़ा मसला होता है, बाद में वो बटन आपको कभी नहीं मिलेगा, या रास्ते में कहीं गुम हो गया है या कहीं वो वापस चला गया, आपका एड्रेस गलत था या कुछ भी मसला मसाइल बन गया, तो वो बटन वापस चला जाएगा और सारी ज़िंदगी फिर आपको वो बटन नहीं मिलेगा। लेकिन यूट्यूब ने इस साल ये भी एक नई चीज़ ऐड किया है कि अगर आप उस कोड अगर आपने रिडीम किया हुआ, यानी कि आप एलिजिबल हैं 100K के सब्सक्राइबर के ऊपर, और अगर आपको एक बटन और चाहिए, आप चाह रहे हैं या मैं एक ऑफिस में लगाना है एक मैं, या आप टीम वर्क कर रहे हो, आप चाह रहे हैं कि मेरा टीम का दूसरा बंदा भी मैं उसको ये अवार्ड दूँ, तो आप अवार्ड खरीद भी सकते हैं। आप
जी हाँ दोस्तों, अब आप अवार्ड खरीद भी सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर जाके। जब आप रिडीम कोड डालेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप खरीद सकते हैं। सिर्फ ये वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी अवार्ड हैं। तो ये तकरीबन जो सिल्वर बटन है वो तकरीबन कोई 20,000 के अंदर, और जो गोल्डन बटन है वो 1 लाख के अंदर, और जो डायमंड है वो तकरीबन 4 लाख के ऊपर जो आपको मिलेगा। रेड वाला जो वहाँ तक तो हम जा ही नहीं सकते अभी, वो बहुत है, वो उसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर आ रही है। तो ये जो वेबसाइट के ऊपर आपको और भी बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिल सकते हैं जो आप खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी यूट्यूब के अवार्ड्स हैं और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स और जो नई अपडेट्स आई हैं तो वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।